हूँ सर के साथ में। तो सर आप कहाँ से हो सर? दिल्ली से। हाँ दिल्ली से हैं सर। तो सर अपना जो है आल जम्मू कश्मीर कवर करने वाले, इनका भी यूट्यूब चैनल है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो यार सर का भी प्यार बरसाओ, मुझे तो दे ही रहे हो प्यार जितना सारा दे रहे हो। थैंक्स आप मिल, बड़ा अच्छा लगा मिलके। प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। नाम बोल दो सर। MG कस्टम्स, हमारा कार डिटेलिंग स्टोर है दिल्ली में। तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें और भाई के चैनल को और प्यार दें, हमारे चैनल को भी प्यार दें। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू, चलते हैं अभी। मैं ठीक है। ओके सर, तब मतलब हालत ख़राब कर दिया मैंने अपनी, यहाँ पे लगी है, इधर चेस्ट पे लगी है, दो तीन जगह पे लग गई तो बहुत। गुड मॉर्निंग CRPF, तो कैसे हैं आप लोग CRPF? तो CRPF आज अपनी मॉर्निंग जो हो रही है वो गाड़ी में से हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा अंदर से निकल गई उसके बाद मैं सीधा गाड़ी में आ गया, तो थोड़ा सा काम था मुझे सीधा गाड़ी में आने के बाद। तो बाकी धूप लग चुकी है बहुत भयंकर वाली, कैमरा मैंने इसलिए नीचे रखा है, इधर से सनराइज़ हो रहा है ताकि सीधी किरणें जो है फ़ोन पर ना आ जाएँ, इसलिए मैंने कैमरा नीचे कर दिया है। तो चलो फिलहाल निकलते हैं फुल पावर और मिलते हैं रास्ते में। ये चेक करो भाई लोग, ये वाला एरिया मैं हमेशा आप सबको दिखाता हूँ, ये इंडियन आर्मी स्कूल है यहाँ पे। क्या नाम है स्कूल का? आर्मी ग्लोइ स्कूल। ये देखो चाचा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो कितनी प्यारी वाइब आ रही है ना गाइस अभी। तो बाकी निकलते हैं फुल पावर काम के लिए, अभी भी काम भी करेंगे। आज का वीडियो जो है मैंने पब्लिश नहीं किया है अभी तक, क्यों नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास नेटवर्क नहीं था सुबह सुबह आज, पता नहीं क्या सीन था, मेरे अकेले के पास नहीं था। फिर मैंने सिम कार्ड वगैरह मतलब निकाला, फिर से डाला, तो अब जाके नेटवर्क आया है। तो अब हम नेटवर्क से बाहर आ चुके हैं, इस एरिया में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं रहता। तो चलो फिलहाल निकलते हैं फुल पावर और मिलते हैं आज अपने सब्सक्राइबर जो बोल चुके हैं ना, मैं मतलब बार बार बोलता हूँ चलो फिलहाल निकलते हैं, बट फिर कोई ना कोई बात याद आ ही जाती है मुझे, तो सोचते हैं बोल ही देते हैं। आज अपने सब्सक्राइबर रात को 3,715 सब्सक्राइबर हो चुके थे, और कि 2 सब्सक्राइबर ने ना अनसब्सक्राइब कर दिया है, किन दो ने किया है पता नहीं, और क्या ही बताएं, 713 अभी भी हैं। तो चलो फिलहाल निकलते हैं फुल पावर, और एक व्लॉग आपको रात को देखने को मिल जाएगा, शाम को एक सुबह मिल जाएगा इंशाल्लाह। चलो फाइनली गाइज, अभी मैं भी रूम के लिए जा रहा हूँ सर के साथ में। तो सर आप कहाँ से हो सर? दिल्ली से। हाँ दिल्ली से हैं सर। तो सर अपना जो है आल जम्मू कश्मीर कवर करने वाले, इनका भी यूट्यूब चैनल है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो यार सर पे भी प्यार बरसाओ, मुझे तो दे ही रहे हो प्यार जितना सारा दे रहे हो, बस दिल से धन्यवाद उस सब के लिए। तो बाकी मैं निकलता हूँ फुल पावर। ये देखो सर के सामने एक गाड़ी आगे जा रही है, इनकी एक पीछे है, तो ये चेक करो। तो फिलहाल मैं निकलता हूँ फुल पावर और मिलते हैं आपको सीधा जाके रूम में, बहुत सारे काम है वहाँ पे रूम में, आज रूम वगैरह भी शिफ्ट करना है, तो वहीं पे जाके मिलेंगे। तो फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ रूम पे, सर ने मुझे लिफ्ट दी थी, तो थैंक यू सर। थैंक्स आप मिल, बड़ा अच्छा लगा मिलके। प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। नाम बोल दो सर। MG कस्टम्स, हमारा कार डिटेलिंग स्टोर है दिल्ली में। तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें और भाई के चैनल को और प्यार दें, हमारे चैनल को भी प्यार दें। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू, चलते हैं अभी। मैं ठीक है। ओके सर, मौका मिले तो कभी आ जाना सर हमारे वहाँ भी। ओके सर, तो चलो भाई फिलहाल मैं निकलता हूँ सीधा रूम पे, क्योंकि मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे अभी, तो अभी मैं जाऊँगा अंदर अपने, तो मस्त होके कुछ देखते हैं खाने पीने के लिए मिलता है तो ठीक है। ये सारी गाड़ियाँ इनके साथ में जा रही हैं, देख पाई होंगी आपने या नहीं देख पाई होंगी, मेरा कैमरा जो था लॉक हो गया था। तो बाकी आप सब इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, इन्होंने मुझे वहाँ से यहाँ तक ड्रॉप कर दिया रूम तक, लगभग 10-12 किलोमीटर था तो ड्रॉप कर दिया। तो चलो फिलहाल मैं निकलता हूँ रूम पे अंदर, और अचो तो देखते हैं आप क्या बनता है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह पे लगाऊंगा, और कल वाला वीडियो जो है उसको मैं अपलोड भी कर दूंगा, अभी अनलिस्टेड मैं करूंगा लेकिन शाम को ही वो मतलब पब्लिश करूंगा उसको। गुड मॉर्निंग CRPF, तो कैसे हैं आप लोग CRPF? आप ये नहीं सोचना कि अभी गुड मॉर्निंग बोला फिर से गुड मॉर्निंग बोल रहा है, वो कल था और ये आज है, मतलब वो पिछले कल था तो ये आज है। तो मैंने आधा शूट किया था कल, मैं यहाँ से के बाद जाने के बाद ना वो टूरिस्ट लोग के साथ गया था मैं यहाँ से, वो उनका कुछ चैनल है, नाम भूल गया मैं चैनल का, नीचे मेंशन किया हुआ है देख लेना। तो
फिर उधर से जाने के बाद मेरे साथ हो गया रूम पे सीन, मैंने शूट नहीं किया। फिर सीन ऐसा हुआ, मैं जा रहा था शूट करने छत पे अपना मोबाइल वगैरह लेके सब कुछ, तो वहाँ पे जब मैं गिरा ना, आए हाय हाय क्या बताऊँ, छत से नीचे गिरा मैं। ये देखो कितनी ज़्यादा मतलब हालत ख़राब कर दी है मैंने अपनी, यहाँ पे लगी है, इधर चेस्ट पे लगी है, दो तीन जगह पे लग गई। तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके भी। बाकी यहाँ पे अभी जेसीबी वगैरह चल रहा है अपना, तो मैं उनके साथ में ही हूँ फिलहाल, वो दिखा करो। एक जेसीबी यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है, दो आगे लगा है, नहीं तीन आगे लगा है, सॉरी तीन आगे लगा है, एक ब्रेकर है, दो जेसीबी दूसरी जगह पे लगा है। मतलब क्या यार क्या ही बताऊँ, कितना ताड़ू फाड़ू काम चल रहा है आजकल, बहुत ख़तरनाक वाला काम चल रहा है। मैं आज इनके साथ रुका हुआ हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, तो देखते हैं ये क्या लोग करते हैं। आज पहली बार इनके साथ रुक रहा हूँ मैं, पहली बार नहीं, पहले भी एक दिन रुका था मैं, बट मैंने तब व्लॉग नहीं बनाया था, बट आज मैं इनके साथ रुक रहा हूँ। तो बाकी गाइस मैंने सुबह व्लॉग पब्लिश कर दिया था, तो आप ये नहीं सोचना कि आते आते अपने बालों को ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये आदत बन चुकी है मेरी बालों को ऐसे करने की। तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताना व्लॉग कैसे लगते हैं कैसे नहीं लगते। तो कुछ अलग तरह की प्लानिंग कर रहा हूँ मैं आजकल, मैं भैया के साथ रुक रहा हूँ, तो क्या ही बताऊँ यार, रोस्ट वीडियो भी बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है रोस्ट करना है तो फिर अच्छे से तरीके से करना चाहिए, तभी मज़ा आता है। भैया के साथ मैं व्लॉग बना सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ किसी भी तरह का, बट मैं रोस्ट नहीं कर सकता वहाँ पर, क्योंकि मैं गाली नहीं दे सकता, बड़ा भाई है तो डर लगता है थोड़ा सा। तो बाकी ये देखो पीछे का माहौल अभी कितना प्यारा हो रखा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलो फिलहाल मैं इनको देखता हूँ काम कैसे करते हैं ये लोग, और मिलते हैं। तो फाइनली गाइस काम खत्म हो गया, और जेसीबी से आने के बाद मैं यहाँ पे काम कर रहा था, ये चेक कर लो भाई, और ये चेक करो, इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई है, मैं पूरे दिन व्लॉग नहीं बना पाया, सोचा अभी छोटा सा एक दो क्लिप आपके लिए कर ही लेते हैं रेडी। तो बाकी अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, ताकि अब भी काम से फ्री हुआ मैं, मतलब इवन के मतलब बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला यार, सुबह से बिल्कुल टाइम था ही नहीं, टाइम अपने पास तो मिलता कहाँ से। तो बाकी फ़िलहाल निकलते हैं सीधा रूम के लिए, गाड़ी आती है और उसके बाद में जो भी चीज़ें रहेंगी और वो आपके सामने रहेंगी, तो मिलते हैं जाके। अगर देखो रास्ते में शूट कर पाया तो ही, अगर ना कर पाया तो फिर मुझे लगता है यहीं पे एंड होने वाला है, बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगा शूट करने की। तो फाइनली गाइस निकल पड़े हैं रूम के लिए, पीछे बैठे हैं, हालत इतनी तेज़ है, हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है इतनी तेज़ गाड़ी खींच रहा है ना, आवाज़ मेरी मुझे ही नहीं आ रही, वाह क्या सीन है। फाइनली गाइस रूम पे पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ पे ताला लगा है, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना ही लेते हैं छोटा सा, और आज मैं कुछ नहीं बताने वाला, अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत थका हुआ आया हूँ, अभी एडिट करना है, फिर सोना है, खाना बनाना है। तो चलो अगर आज का वीडियो किसी भी रीज़न से पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, लाइक बहुत कम करते हो आप, और वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल, और पेज को फॉलो करो। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए मस्त स्वस्थ खुश खाते पीते रहो, बाय, टेक केयर।